नमस्कार, मेरा नाम है हरीश और मैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि ये जो IBPS है वो बिल्कुल भी अपने एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करती है, भले ही कुछ दिन के लिए एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे। तो फाइनली आप देख सकते हो IBPS ने अपने वेबसाइट पे उनकी जो कॉल लेटर्स है उसके डाउनलोड लिंक अवेलेबल कर दिए हैं, वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एक एग्जाम से जो होने वाले हैं वो 12 और 13 सितंबर 2020 को होने वाले हैं। 7 तारीख को यानी 7 सितंबर 2020 को उन्होंने एक नोटिस दिया था, वहां पे उन्होंने बोला था कि ये जो एग्जाम्स भाई हम लोग लेने जा रहे हैं 12 और 13 तारीख को वो अभी पॉसिबल नहीं है। और उसके अगले डेट यानी कि 8 सितंबर को वो IBPS कहता है कि जो हमने नोटिस डाला था वो विड्रॉन कर दिया है हमने, राइट, अभी ये एग्जाम्स उसी डेट को होंगे। यहां से आप एक कंफर्म हो सकते हो, अपने अपने आप को कंफर्म कर सकते हो कि IBPS जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉडी है, अपने डेट्स को कभी भी चेंज नहीं करती है, राइट। हो सकता है उनके स्टाफ्स के अंदर कुछ चर्चा चल रही हो डेट्स को लेकर, बट अपना जो पुराना रूल था मतलब डेट्स को चेंज ना करने का, वही रूल पे IBPS इस बार भी जो है अपने रूल पर अड़ी हुए है, मतलब जो डेट्स है उसके अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। तो देखिए, ये 2 दिन का टाइम आपको मिला है, किसी को 2 दिन का मिला होगा, किसी को 3 दिन का मिला होगा, मतलब जिसको जिसका 13 का पेपर है उसको 3 दिन का टाइम है अभी, और जिसको 12 का पेपर है उसके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। तो इस 2 दिन के टाइम में आपको आपने जो सिलेबस को प्रिपेयर किया है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर दीजिए, स्ट्रेस को बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, और ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी है आपको 2 दिन में, जितना सिलेबस आपको रिवाइज हो सके उतना करिए, और बाकी दिन आपको जो है रेस्ट लेना है, मोबाइल पे बिल्कुल भी ना जाइए। अभी अभी उन्होंने कॉल लेटर दे दिया है, अभी एग्जाम होंगी और रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे, राइट। तो इस एग्जाम्स को RRBPO का जो एग्जामिनेशंस हैं अभी 12 और 13 तारीख को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नोटिफिकेशन में कुछ चीजें वहां पे उन्होंने मेंशन की हुई, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर, ग्लोव्स और आपका मास्क, ये 3 चीजें आप याद से लेके जाइए। हो सकता है अगर ये चीजें ना ले जाए तो आपको वहां पे परमिट नहीं करेंगे वो लोग। साथ में आपका कॉल लेटर का प्रिंट आउट, उसके बाद में आपका ID प्रूफ का ओरिजिनल और जेरोक्स, और आपका जो फोटो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते टाइम उसको आपको वहां पे स्टिक करके लेके जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे थोड़ा सा जो है आप पालन कीजिए। जैसे कि आपको पता होगा, इसके पहले IBPS जो रोल नंबर्स है मतलब आपके सीट नंबर्स, कहाँ पे आपको बैठना है, किस बिल्डिंग में आपका रोल नंबर है, कौन से PC पे आपका नंबर है, ये सभी वहां पे बाहर में ही वो लगा दिया करता था अभी तक। बट अभी ये COVID-19 के चलते हो सकता है अभी वो गार्ड जो गेट पे खड़ा हो वही आपको बता दे ये सारी चीजें, तो वो वहां पे आप जाके थोड़ा सा मैनेज कर लेना उसको, राइट। जिनका सेंटर पास में है उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जाके आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, बट जिनका सेंटर थोड़ा सा दूर है तो वो प्राइवेट व्हीकल से आप जा सकते हो, और अगर प्राइवेट व्हीकल आपको अवेलेबल नहीं है तो आप गवर्नमेंट बसेस से भी जा सकते हो। तो हम भी कुछ कर नहीं सकते, टाइम पे ही जो है 2 दिन के पहले उन्होंने कॉल लेटर्स आपको दे दिए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड स्टे कॉन्फिडेंट, अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशंस स्मार्टली एंड विद बैलेंस ऑफ माइंड एंड बी सक्सेसफुल इन योर IBPS PO प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। थैंक यू।